तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले तो भाई सॉरी, ये वीडियो बहुत जल्दबाजी में बना रहा हूं, तो इस वीडियो के अंदर आपको फोटोज़ नहीं देखने को मिलेंगी। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो हेडफोन ईयरफोन लगा लो या फिर मस्त ऐसे ऑडियो की तरह सुन लो, ठीक है। टाइम स्टैम्प तो मैं दे ही दूंगा, बस इस वीडियो में फोटोज़ नहीं है क्योंकि वीडियो जल्दबाजी में बना रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ जाना। बाकी गाइस ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, सीधा अपडेट्स पे कूदते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले न्यू WWE चैंपियनशिप से। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स हैं कि न्यू WWE चैंपियनशिप आ सकती है क्योंकि ड्राफ्ट आ रहा है। साथ में गाइस एक और अपडेट आ चुकी है जिस वजह से चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि न्यू WWE टाइटल आ सकती है। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस हफ्ते WWE जो है गाइस 60 ईयर सेलिब्रेट कर रही है WWE चैंपियनशिप की, यानी कि 60 साल कंप्लीट हो रहे हैं WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के। तो इस लेगेसी के सेलिब्रेट करते हुए WWE गाइस एक नई टाइटल ला सकती है क्योंकि ड्राफ्ट भी इसी वीक में पड़ रहा है। अगर आप देखो ड्राफ्ट भी यहीं पर एंड WWE सेलिब्रेट भी इसी हफ्ते कर रही है, तो उस हिसाब से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि WWE सेलिब्रेशन के टाइम ही एक नई टाइटल इंट्रोड्यूस कराते हुए दिख सकती है। एंड ड्राफ्ट है तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि एक नई WWE टाइटल या फिर एक रिप्लेसमेंट में टाइटल या फिर कुछ भी जो WWE करना चाहे मेन इवेंट सीन के साथ टाइटल पिक्चर के साथ वो इस हफ्ते में कर सकती है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अंडरटेकर की। तो अंडरटेकर की इन रिंग रिटर्न को लेकर आज सच कोई रूमर्स वगैरह तो नहीं थी, लेकिन रिंग साइड न्यूज़ ने अपनी तरफ से भाई एक आर्टिकल छापा है जहाँ पे ये लोग बात करते हैं अंडरटेकर के इन रिंग रिटर्न के बारे में, जहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इन्होंने WWE में बैक स्टेज डिस्कस किया इस चीज़ को लेके, अपने सोर्सेज से बात की कि क्या अंडरटेकर का इन रिंग रिटर्न हो सकता है। तो इसको लेके इनको जो रिस्पांस मिला वो कुछ अच्छा नहीं था, रिस्पांस काफ़ी नेगेटिव था कि अंडरटेकर अब नहीं आएंगे। जो आखिरी मैच था उन्होंने लड़ लिया, बोनयार्ड मैच था AJ स्टाइल्स के अगेंस्ट, हो गया, रिटायर हो गया, अब नहीं आएंगे। तो ऐसे रूमर्स थी भी नहीं आने की, ये रिंग साइड न्यूज़ वालों की खुद की आर्टिकल, इन्होंने खुद से पूछा तो मुझे लगा बता देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है वो अधूरी रह गई, एक अंडरटेकर की रिटायरमेंट क्राउड के सामने चाहिए थी एंड एक फाइनल क्राउड का मैच, क्राउड के सामने मैच अगर मिल जाता तो काफ़ी बेटर होता। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बोनयार्ड मैच बेकार था, बस एक क्राउड की कमी थी, बाकी स्टिल अब रिटायर हो गए। तो मुझे भी नहीं लगता कि रिटायरमेंट से बाहर आना एज सच कोई ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोई स्टार्क की। तो जोई स्टार्क अगर आपको नहीं पता तो NXT की फीमेल सुपरस्टार एंड काफ़ी टॉप टैलेंट्स में से एक है। वहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर ये एक्सपेक्टेड है कि रॉ या फिर स्मैकडाउन में आएंगी। एंड रिसेंटली ये गाइस अपने कुछ पोटेंशियल अपोनेंट्स नेम करती हैं कि अगर ये ड्राफ्ट के बाद मेन रोस्टर पे आएँ तो ये किसे किसे फेस करना चाहेंगी, किसे किसे मैच लड़ना चाहेंगी। तो जोई स्टार्क कहती हैं कि देखो मैं मैच रेसल करना चाहूँगी शार्लेट फ्लेयर से, बेकी लिंच से, बियांका बेलेयर से एंड रिया रिप्ली से। वैसे तो और भी नाम्स हैं लेकिन मैं इन लोगों से पहले भिड़ना चाहूँगी। ये कुछ नेम्स हैं जिनको ये प्रायोरिटी में रख रही हैं अपने अपोनेंट्स के तौर पे एंड इनके मूव के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ड्राफ्ट में इनको रॉ या फिर स्मैकडाउन में डाला जाएगा। तो शार्लेट, बेकी लिंच, बियांका बेलेयर और रिया रिप्ली, ये कुछ इनके मेन टारगेट लिस्ट पे हैं जिनको ये फेस करना चाहती हैं ड्राफ्ट मूव के बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। तो लोगन पॉल के रिटर्न को लेकर अपडेट है, लोगन पॉल के रिटर्न प्लान्स क्या है, कब ये रिटर्न कर सकते हैं। तो जो प्लान्स है गाइस वो बिल्कुल लॉक हैं बताया जा रहा है, रिपोर्ट निकल के सामने आई है। इस रिपोर्ट का कहना है कि जो लोगन पॉल के रिटर्न प्लान्स हैं वो बिल्कुल लॉक्ड हैं, कॉन्क्रीट हैं। अभी रिसेंटली तो इन्होंने एक नई डील भी साइन करी है WWE के साथ, तो प्लान्स तो बिल्कुल लॉक है गाइस। एंड लोगन पॉल का रिटर्न आपको जब भी देखने को मिलेगा, एक और मैसिव मैच के लिए देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये रिटर्न समर स्लैम के अराउंड होगा क्योंकि अगला मैच लोगन पॉल का वहीं पे होने वाला है। ये कुछ रिंग साइड न्यूज़ की रिपोर्ट का कहना है। सो लोगन पॉल बिल्कुल प्रिपेयर्ड अपने मैच के लिए, WWE ने उनके प्लान्स वगैरह लॉक कर दिए। अब आपको क्या लगता है समर स्लैम के अंदर लोगन पॉल का मैच किससे हो सकता है, क्या जॉन सीना हो सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना को ही चैलेंज कर रहे थे लोगन पॉल एंड जॉन सीना की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिख रहा था, हमने देखा था इंस्टा वगैरह पोस्ट भी की थी सीना ने। तो आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल के हिसाब से लोगन पॉल के लिए जो रिटर्न प्लान्स हैं वो बिल्कुल कॉन्क्रीट लॉक हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, लीटा को लेकर है। कुछ दिनों पहले लीटा को लेकर मैंने आपको अपडेट दी थी कि लीटा अभी आपको नहीं देखने को मिलेंगी WWE के अंदर, ये वाला रन इनका कंप्लीट हो चुका है। ये जो इनका बेकी के साथ रन गया रिसेंटली टैग चैंपियन वाला वो कंप्लीट हो चुका है। बाद में ट्रिश स्ट्रैटस ने अटैक किया, लीटा गायब हो गई, टाइटल्स भी हार गई बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस के साथ टीम करके एंड अभी ट्रिश और फिर बेकी लिंच की फ्यूड चल रही है। तो लीटा को लेकर अपडेट थी कि अब लीटा का जो रन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन शायद गाइस इतनी जल्दी नहीं, एक अपडेट आई है, कहा जा रहा है कि लीटा जो है मे बी इस फ्यूड में एट सम पॉइंट, ये जो ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच की फ्यूड है इसमें एट सम पॉइंट कहीं पे जाके आगे इन्वॉल्व हो सकती है, मानना ये जा रहा है। ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ
कुछ चांसेस हैं, पहले वाली रिपोर्ट पे मुझे ज़्यादा बिलीव है, लेकिन इसके भी कुछ चांसेस हैं कि लीटा इस फ्यूड के अंदर आने वाले टाइम में कुछ चीज़ के लिए मे बी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब अगर मैं गेस करूँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर ट्रिश स्टेटस हील हैं तो एंड में बेकी लिंच जीतेंगी फ्यूड में, तो उस हिसाब से बेकी लिंच को हेल्प करने के लिए मे बी लीटा आ सकती हैं, क्योंकि लीटा के ऊपर भी ट्रिश ने अटैक किया था बैक स्टेज, जिस चीज़ को ट्रिश स्टेटस ने खुद से ही कन्फर्म किया कि हाँ मैंने ही अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है एनएक्सटी स्टार्स को लेके, जो कि कल आपको मंडे नाइट रॉ बैक स्टेज देखने को मिलेंगे, मतलब देखने को तो नहीं मिलेंगे लेकिन कल रॉ में बैक स्टेज होने वाले हैं, तो इससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि ये सुपरस्टार शायद ड्राफ्ट में भी होंगे, इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से सुपरस्टार से, तो दो सुपरस्टार से जो कि ड्राफ्ट में इंक्लूड हो सकते हैं जो कि कल के रॉ में बैक स्टेज होंगे, एक तो है कोरा जेड और एक है जो गेसी। जो गेसी आपको याद होंगे भाई ब्रे वाइट के रिटर्न के टाइम इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी, लोगों को लग रहा था कि वाइट रैबिट इसी का है, तो इनका नहीं है भाई, वाइट रैबिट इनका रिलेशन नहीं था, ब्रे वाइट का ही था जो कि फिलहाल खुद गायब है। लेकिन जो गेसी आने वाले रॉ में बैक स्टेज होंगे विद कोरा जेड, तो मे बी इनका आपको डेब्यू देखने को मिल सकता है ड्राफ्ट के बाद मेन रोस्टर पे। कोरा जेड तो पहले आ चुकी हैं एक बार, लेकिन जोई गेसी आ सकते हैं। बाकी फिलहाल के हिसाब से बैक स्टेज आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर होंगे। एंड वंस अगेन गाइस सॉरी, इस वीडियो के अंदर फोटोग्राफ्स नहीं थी, मैंने काफ़ी जल्दबाजी में वीडियो बनाई है, वरना ये वीडियो पता नहीं कब आती, बहुत लेट हो जाती। फिलहाल के हिसाब से आई होप आप पॉडकास्ट की तरह इस चीज़ को सुन लिए होंगे, एंड अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को, आने वाले टाइम में और WWE न्यूज़ रूमर्स अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे मैं अपने से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।